पूर्वी विद्यार्थियों, कक्षा 7 की गणित अध्याय 8 राशियों की तुलना, इसकी प्रश्नावली है 8.3। उसका चौथा सवाल है ये। अरुण ने एक कार रुपये 3,50,000 में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर रुपये 3,70,000 हो गया। कार्य के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर वृद्धि कितनी हो रही है, यहाँ पर है 3,50,000 और ये है 3,70,000। तो वृद्धि कितनी हो गई, ज़्यादा कीमत में से कम कीमत को घटा दो, तो ये है 3,70,000। इसमें से अपन घटा दिया 3,50,000 घटा दिया, तो ये हो गया, ये तीन तो शून्य, तीन शून्य जाएंगे, शून्य में से शून्य गए शून्य, 7 में से 5 गए 2 और ये 3 में 3 गए कट, तो ये 20,000 रुपये जो है ये वृद्धि हुई, 20,000 रुपये की वृद्धि हो गई। अब प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो प्रतिशत वृद्धि ये निकालेंगे, तो वृद्धि जो है वो लिखेंगे, वृद्धि कितनी हुई वो बटे इसकी कीमत शुरू में प्रारंभिक मूल्य, तो यह जाएगा 3,50,000। तो अब ये इसका मान निकालेंगे अपन, प्रतिशत वृद्धि, तो गुणित ये हो गया 100/1। तो देखो यहाँ पर कितना आया, 20,000 का 100 में गुणा करा, तो ये लिखा अपनों ने पहले तो लिख दिया 20, और या सीधे काट देते हैं इसको, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य काट दी, अब बचिए ये 2 शून्य, तो ये 2 शून्य कट गई। अब यहाँ पर आया 35, ऊपर आया 200, तो ये हो गया 5 × 7 = 35, और इसको काटा तो 5 × 20 और 5 × 0 = 0। अब 40/7 आया, 40/7 इसको भाग दिया, तो ये हुआ 7 × 5 = 35, बचे 5, 50 हुए। अब 50 में बचे 5, 50 नहीं हुए, बचे 5, 10 में लगाए तो 50 हो गए, तो 7 × 7 = 49, और उसके बाद में एक और बच जाएगा, तो ये लगभग कितना हो गया, 5.7%, इतने की वृद्धि हुई है।